तो मेरे पास अभी कुछ टांगने के लिए माइक है नहीं, क्योंकि मेरे को आपको अपने स्ट्रेच मार्क्स दिखाने हैं। ये देखो, ये जो स्ट्रेच मार्क्स है, अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये स्ट्रेच मार्क्स मेरे को ओवरऑल जो इयर्स जितने भी मैंने ट्रेन किया है, जितने भी टाइम मैंने ट्रेन किया है, उस ट्रेनिंग की वजह से मुझे आए हैं। आपको स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलते हैं अगर आप वार्म अप अच्छे से नहीं करते हैं, और भी बड़ी सारी गलतियां हैं जिन वजह से आपको स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। तो कैसे आप इन चीज़ों से बच सकते हो, चलो मैं बताऊं। पहले तो शायद आपको मेरा जवाब पसंद ना आए, वो ये है कि अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं तो ऐसा कोई भी प्रूवन इलाज नहीं है जिस वजह से आपके स्ट्रेच मार्क्स गायब हो जाएं। चांसेस है आपका स्किन टाइप कैसा है, आपके स्ट्रेच मार्क्स की इंटेंसिटी कितनी है, कितना ज़्यादा विजिबल है, उन चीज़ों से डिपेंड करता है कि हो सकता है कि वो थोड़े से कम हो जाएं लेकिन गायब नहीं होंगे। इसके अलावा कैसे ना स्ट्रेच मार्क्स आएँ, उन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। पहली चीज़, आपको अपने वार्म अप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से सारी मूवमेंट्स करके अपनी बॉडी को ओपन अप कर लेते हैं, डायनेमिक स्ट्रेचिंग करके आप अपनी बॉडी को खोल लेते हैं और वर्कआउट करते हैं और वेट को एक तरीके से उठाते हैं, एकदम से प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करते, लाइट से सीधा बहुत ज़्यादा हैवी पे नहीं चले जाते, धीरे धीरे करके अपनी ट्रेनिंग को इवॉल्व करते हैं, तो आपको स्ट्रेच मार्क्स कम आएंगे या आएंगे ही नहीं, वो डिपेंड करता है आपके ओवरऑल न्यूट्रिशन पर भी, आपके हाइड्रेट रहने पर भी, और भी बहुत सारी चीज़ों पर। अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स आ ही रहे हैं और ऐसी ऐसी जगह पे आ रहे हैं जैसे स्टमक, लोअर स्टमक पर, या आपके जो एरिया मैंने दिखाया जहाँ पे आर्मपिट्स के आसपास स्ट्रेच मार्क्स, और आप उसको देख के बड़ा क्रिंज फील करते हैं, बड़ा भद्दा फील करते हैं, तो ऐसा करना बंद कीजिए। आपने कुछ मेहनत किया, आपने कुछ स्ट्रगल किया, आपने कुछ लूज या गेन किया जिस वजह से आपको स्ट्रेच मार्क्स आए हैं। यू शुड ऑलवेज लव योर बॉडी, ऑलवेज अप्रिशिएट योर फिजिक, लेकिन उसको इम्प्रूव करना आपके हाथ में होता है। तीसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि जब हम एकदम से वेट लूज कर देते हैं बहुत ज़्यादा, या एकदम से वेट गेन कर लेते हैं, तो हमारी स्किन फास्ट तरीके से टियर होती है और उस वजह से भी स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये तीन चार ऐसे फैक्टर हैं जिस वजह से आप अपने स्ट्रेच मार्क्स को आने से रोक सकते हैं। देखो, मुझे पर्सनली फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्रेच मार्क्स आए हैं नहीं आए, बट कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमारी स्किन क्लियर हो और साफ रहे हमेशा। तो आई होप आपको ये तीन चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, और लोगों के साथ शेयर जरूर कर देना।